Hi, I'm Rahul, and today I'm going to discuss the syllabus of class 12 of English core for 2020-21. Friends, many of the students, they told me that they are not understanding, they have no clear concept regarding the syllabus of 2020 and 21. So yeah, class 12 it is. Okay, we have prescribed books in class 12, that is Flamingo. First two books are there. First is Flamingo, second one is Fishtas. So guys, here we are going to discuss the syllabus for class 12 2020-21 session. So here a reading comprehension will be of 20 marks. Section A, 20 marks reading, that is, in that two questions will be asked. First question will be there, one unseen passes, will be there to 800 to 900 words, will be long one, and where you are going to be asked 5 MCQs and 7 objective type of questions. Okay, so 5 and of 1 mark, each question has 1 mark. So 7 plus 5 equal to total 12 marks. Second questions, it will be note making and summary writing. And passes will be there of 400 to 500 words. Passes for note making and summary writing. So note making, जो होगा वो कितने का होगा, ये भी 4 मार्क्स का, और जो समरी राइटिंग होगा वो भी 4 मार्क्स का होगा. तो ये टोटल कितने का हो जाएगा, 8 मार्क्स का हो जाएगा. तो 12 एंड 8 इक्वल टू 20. अब राइटिंग स्किल, जो बी सेक्शन होगा वो क्या होगा, सेक्शन बी जो होगा वो राइटिंग स्किल होगा. तो राइटिंग स्किल्स में गाइस, थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, इनविटेशन, टेशन, या सो ये थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर थर्ड क्वेश्चन. आपका फोर्थ क्वेश्चन द सिलेबस विल बी देयर, वो लेटर राइटिंग. तो ये लेटर राइटिंग जो होगा वो किस टाइप का लेटर राइटिंग होगा गाइस, तो ये होगा बिजनेस और ऑफिशियल, ठीक है, जिसमें बिजनेस ऑफिशियल में क्या होगा, इंक्वायरीज लेटर होगा, देयर मे बी कंप्लेन लेटर, कंप्लेंट्स हो जाएगा, ठीक है, और मे बी प्लेसिंग ऑर्डर्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स, सो सच टाइप ऑफ लेटर्स आर देयर. और
letter to editor, so these are the things there. Another fifth number questions where maybe article writing you have to prepare for, report writing, then guys you have to prepare for these things. Where another one here, जो स्पीच और डिबेट, ये लॉन्ग टाइप विल बी देयर, 10 मार्क्स फॉर बोथ. ओके, तो हियर 10 मार्क्स विल बी देयर फॉर बोथ. सेम देयर विल हैव 7th. अब हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विच सेक्शन, सेक्शन सी की, दैट इज ऑफ टेक्स्ट बुक. ओके, दिस इज ऑफ टेक्स्ट बुक. एंड गाइस इन दिस 7 नंबर टू एक्सट्रैक्ट्स, दो छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे. वन एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम प्रोज और जो सेकंड होगा वो पोएट्री से होगा. दो एक्सट्रैक्ट होगा तो 1 × 4 = 4 marks. दोनों का मिला करके 4 × 4 = 8 marks का हो जाएगा. ठीक है, तो गाइज ये 8 मार्क्स का हो जाएगा. वैसे ही जो 8th नंबर क्वेश्चन होगा आपका, वो 8th नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा सेवन सॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क, एंड यू हैव टू रिप्लाई 5 questions. तो ये कितने का हो जाएगा, ये शॉर्ट आंसर टाइप हो जाएगा 5 × 2 का, जो 10 मार्क्स का हो जाएगा. 7 पूछे जाएंगे और रिप्लाई 5 question का करना है, तो इट विल बी ऑफ 5 × 2 = 10 marks. जो गाइस 9 नंबर रहेगा, ठीक है, तो ये गाइस 9 नंबर में जो है वो आपका 9th नंबर में ये है कि अब हम आ जाते हैं टू लॉन्ग टाइप जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और फ्लेमिंगो बुक से वेयर यू हैव टू रिप्लाई 1, बस एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, तो ये हो जाएगा 6 marks का. और वैसे ही 10th नंबर जो क्वेश्चन होगा वो भी 2 long type होगा क्वेश्चन, 2 long type होगा वो विस्टास से, फ्रॉम विस्टास बुक, वेयर यू हैव टू रिप्लाई 1 question. ओके, यू हैव टू रिप्लाई 1 question एंड ये भी होगा 6 marks का. सो गाइस यहां पे सिलेबस है फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड विस्टास
We have discussed the syllabus for 2020-21. If you have not subscribed my channel, subscribe it to get the latest update of the videos. If you have any comment, put that in the comment box. Thank you.